There was mummy and daddy, two little boys and girls. Every night they would gather in the living room, they would twirl. They danced and sang sweet songs there. How close the family was. The love was great they shared. You see, they showed they cared. Remember that your family can be the same way too. Just trust and love each other and share each other's thoughts, because you need your family to communicate a lot. And as you all grow older, you will always know in times of trials and troubles to your family you can go. Okay, now see the meaning. Once upon a time in a house so big and white, एक बार की बात, एक बहुत बड़े घर में, बहुत बड़ा घर था children, the family that lived there were so happy inside. उसके अंदर जो family रहती थी वो बहुत खुश थी, very happy. There was mummy and daddy. अब देखो उस family में कौन कौन था. There was mummy and daddy, two little boys and girls. अब कितने बच्चे हो गए children, mummy daddy तो थे ही, अब कितने boys and girls हो गए. टू बॉयज एंड टू गर्ल्स मीन्स फोर चिल्ड्रन, टू बॉयज हैं और टू गर्ल्स हैं. एवरी नाइट दे वुड गैदर इन द लिविंग रूम दे वुड ट्वर्ल, मीन्स लिविंग रूम आपका ड्रॉइंग रूम, जहां पे आप सोफा रखते हैं, गेस्ट को आने देते हैं, गेस्ट को वेलकम करते हैं, तो उस रूम में एवरी नाइट, हर रात को वो सब उस फैमिली उस रूम में इकट्ठे होते थे और वहां पे डांस करते थे, मजे करते थे. दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स देयर, और उधर वो क्या करते थे चिल्ड्रन, उधर वो डांस करते थे और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते थे. हाउ क्लोज द फैमिली वॉज, तो इससे चिल्ड्रन पता ही लगता है कि वो आपस में कितने क्लोज थे, कितने प्यार से रहते थे आपस में, राइट. ये हमारे फर्स्ट पैरा में ही लिखा है कि वो बहुत खुश थे, और सेकेंड में लिखा है कि वो बहुत ही प्यार से रहते थे, और थर्ड में हमें पता चल रहा है कि वो आपस में डांस करते थे, स्वीट सॉन्ग्स गाते थे, और आपस में बहुत उनमें प्यार था. द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड, यू सी दे शोड दे केयर्ड, और उनमें इतना प्यार था कि वो एक दूसरे की बहुत देखभाल करते थे, बहुत एक दूसरे को केयर करते थे, एक दूसरे का प्यार शेयर करते थे, और एक दूसरे के बारे में चिंता करते थे, एक दूसरे का देखभाल, एक दूसरे की देखभाल करते थे, एक दूसरे का देख रेख करते थे. रिमेम्बर डेट योर फैमिली कैन बी द सेम वे टू, और ये कह रहे हैं कि आपकी फैमिली भी ऐसी ही हो सकती है, आप लोगों में भी बहुत प्यार हो सकता है, आप लोग बहुत प्यार से रह सकते हो, आप लोग इकट्ठे मिलकर गाने गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कैसे आप लोगों में भी इतना ही प्यार हो सकता है चिल्ड्रन, कैसे होगा. आप लोग जब एक दूसरे का प्यार और लव शेयर करोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, तो ये कैसे पॉसिबल है. जस्ट ट्रस्ट एंड लव ईच अदर एंड शेयर ईच अदर्स थॉट्स, ये कह रहे कैसे पॉसिबल है. जब हम एक दूसरे को पर विश्वास करें, एक दूसरे को बहुत प्यार करें और एक दूसरे की बात सुने और समझे, सामने वाला पर्सन क्या सोचता है हमारी फैमिली का, आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके बारे में उनकी बातें शेयर, अपनी बातें उनसे शेयर करो, तो और डेफिनेटली आप उनसे शेयर करोगे तो वो भी अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे. उसको ध्यान से सुनो चिल्ड्रन, उनसे बहुत प्यार करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, एंड वो क्या सोच रहे हैं, उनकी किसी बारे में क्या थिंकिंग है, उनसे शेयर करो, आप भी अपने थॉट्स उनसे शेयर करो, आप किसी के बारे में क्या सोचते हो उनसे शेयर करो चिल्ड्रन, बिकॉज यू नीड योर फैमिली टू कम्युनिकेट अ लॉट. कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना. अब ये सब किससे कैसे पॉसिबल है, अब आप एक दूसरे के थॉट्स कैसे शेयर करोगे, लव कैसे शेयर करोगे, एक दूसरे के बारे में देखभाल कैसे शेयर करोगे. देखभाल तो चलो आप ध्यान दोगे उसके बारे में, यू विल नेवर फाइट, यू विल लव ईच अदर, और आप एक दूसरे के थॉट कैसे शेयर करोगे, एक ही वे है कम्युनिकेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, मींस बातचीत. जब आप अपनी बात कहेंगे और सामने वाले की बात सुनेंगे, बोथ वेज, कहना भी है और सुनना भी है. ओके चिल्ड्रन,
बोथ द वेज, यू हैव टू लिसन ऑल्सो एंड यू हैव टू स्पीक ऑल्सो. सो जब आप ऑब्वियसली बात है चिल्ड्रन, एंड वेन यू विल लिसन अदर्स, जब आप दूसरे की किसी की बात सुनेंगे तो कोई आपकी भी सुनेगा, राइट चिल्ड्रन. तो प्यार से और शांति से सामने वाले पर्सन की भी बात सुने और अपनी भी बात कहें. टू कम्युनिकेट अलॉट, और फैमिली में आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब पूरी फैमिली में, मम्मी पापा भाई बहन आप सब में आपस में खूब बातें होनी चाहिए, प्यार भरी बातें होनी चाहिए आपस में. आप जितना कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, जितनी बातचीत करेंगे, उतना ही आपकी फैमिली में प्यार बना रहेगा. एज यू ऑल ग्रो ओल्डर यू विल ऑलवेज नो इन द टाइम्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबल्स टू योर फैमिली यू कैन गो. ट्रायल्स एंड ट्रबल्स का मतलब है प्रॉब्लम्स. जब हमारी फैमिली में हमारे ऊपर, हमारे घर के किसी मेंबर पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आप कह सकते हो कोई भी टेंशन हो जाती है हमारी फैमिली मेंबर पर, हमारे ऊपर, अपने लेवल को हर एक को टेंशन है चिल्ड्रन. पापा को अपने लेवल की है, मम्मी को अपने लेवल की, आपको अपने लेवल की, आपके ब्रदर सिस्टर को अपने लेवल की. तो ये कह रहे हैं जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी डेफिनेटली ऑब्वियसली चिल्ड्रन हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हाई लेवल की हो जाएंगी. तो ये कह रहे हैं जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि जब हम मुसीबत में होंगे तो हमारी मदद और हेल्प सिर्फ हमारी फैमिली ही करेगी, और एंड व्हेन वी विल बी इन ट्रबल तो हम किसके पास जा सकते हैं, हम अपनी फैमिली के पास ही चिल्ड्रन जा सकते हैं, राइट चिल्ड्रन. तब आपको सिर्फ अपनी, जब व्हेन वी आर इन, जब हम किसी टेंशन में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है, अपने मम्मी पापा याद आते हैं ना चिल्ड्रन. तो इसका मतलब भी हमें सबसे पहले कौन याद आता है, हमारी फैमिली याद आती है. तो ये यही कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो और हम मुसीबत में पड़ेंगे तो हमें सबसे पहले हमारी फैमिली ही याद आएगी, और एक हमारी फैमिली ही है जिसके पास उस समय हम जा सकते हैं हेल्प के लिए, राइट चिल्ड्रन. और ये बात हमें कब रियलाइज होगी, जब हम बड़े होंगे. तो फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है. सो चिल्ड्रन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नेवर फाइट विद योर पेरेंट्स एंड विद योर ब्रदर और सिस्टर. आप आपसे नहीं फाइट करेंगे. कभी कभी छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है चिल्ड्रन, आई एग्री. आपके छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, कभी कभी नहीं सुनते, नथिंग मैटर्स. बट अगर उस समय आप गुस्सा ना करके जस्ट से टू योर मम्मी और पापा जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि भैया या दीदी एक बात नहीं मान रहे, ये नहीं सुन रहे, मैं ऐसा कह रहा हूं, तो गो टू देम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग. आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ फाइटिंग करने के बजाय आप उनके पास जाइए, और उनके पास डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा चिल्ड्रन, राइट. सो एंड आई सेड टीवी के रिमोट के ऊपर फाइटिंग होती है तो उसमें टाइम लिमिट कर लो, 20 मिनट्स मैं देखूंगी मेरी मर्जी का, उसके बाद 20 मिनट्स आप अपनी मर्जी का देख लो. लाइक दिस टीवी टाइम शेयर हो जाएगा आपका. कोई भी चीज है हमें शेयर करके खानी चाहिए, कोई भी चीज अपने ब्रदर सिस्टर से शेयर करके दे दीजिए. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट इज, एंड चिल्ड्रन इन नोटबुक यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. नाउ हाउ यू विल राइट अ वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन, फर्स्ट इज राइट डे डेट एंड CW, डे डेट एंड CW ऑन फर्स्ट लाइन. एज यू ऑल नो, आप सबको पता है मैं वर्क कैसे करवाती हूँ. इन द सेम वे चिल्ड्रन यू हैव टू डू द वर्क. CW के बजाय आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट SW बिकॉज यू आर डूइंग वर्क एट होम एंड दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो. फर्स्ट लाइन में राइट डेट SW एंड डे. नेक्स्ट लाइन राइट, या आप HW के साथ ही राइम लिख देना. ओके चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट लाइन राइट द हेडिंग ऑफ द राइम वंस अपॉन अ टाइम. एंड चिल्ड्रन यू हैव टू राइट इट्स इंडेक्स ऑल्सो, यू हैव टू राइट फिल द इंडेक्स ऑल्सो. एंड इन थर्ड लाइन यू हैव टू राइट वर्ड एंड फर्स्ट यू विल राइट हार्ड वर्ड्स एंड देन यू विल राइट वर्ड एंड वर्ड
word and meaning. So our first word is communicate. And children, word meaning की ये hyphen, this should come in the middle of the page. ये page के middle में आएंगे. Meaning ऐसा नहीं कि आप page के end में कर देंगे, नहीं. ये चीज आपकी middle में आनी चाहिए, page के middle. Okay children, now word के नीचे word, meaning के नीचे its meaning, to express thoughts. To express thoughts. Now children, to express thoughts मतलब अपने विचार व्यक्त करना, अपने विचार बताना. वही है children, आप अपने विचार किसके थ्रू बताओगे? बता के, बोल के और सामने वाले की सुन के. अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो it means the other person is listening, and if the other person is listening, then you have to also listen to the other person. So this is called communication. Means you speak, the other person listen. आप बोल रहे हैं, सामने person सुन रहा है, and the other person is speaking and you are listening. और फिर दूसरा person बोल रहा है और आप सुन रहे हैं. This is called communication. मतलब आप भी बोलेंगे और वो भी बोलेंगे. आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, वो सुनेगा, तब वो बोलेगा, आप सुनेंगे. That is called communication and to express thoughts. Now children, this word, if this meaning comes in your first one line, well and good. If doesn't come, ऐसा मत करना कि आपने half word तो इधर line में लिख दिया और half word white space में लिख दिया. No children, ये full word आपको line में लिखना है. If this doesn't come in one line, अगर आपका ये one line में नहीं आ रहा, so please write this word in another line. So write in proper line. Don't write in white space. Lines के बीच में जो white space होती है, उसमें बीच में मत लिखना चाहिए. Please don't write. Write in the lines. Okay, you have to write nothing in the white space. उस white space में आपको you have to write nothing. Just write in the lines. Okay. Now next word is trials and troubles. अब नाउ देखो चिल्ड्रन, अब मेरा वर्ड है, ये एक लाइन से ज्यादा में आ रहा है, राइट चिल्ड्रन? मींस मेरे को स्पेस तो यही कवर करनी है. नाउ दिस इज कमिंग इन सेकेंड लाइन, सो दिस आई विल राइट इन सेकेंड लाइन. आई विल नॉट राइट इन द स्पेस वाइट बिटवीन द लाइंस. ओके, यू हैव टू राइट इन द लाइन इटसेल्फ. ये नहीं कि ये वर्ड आपका मीनिंग तक एक्सटेंड हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर डैश लगा रहे हैं. नो चिल्ड्रन, इफ वर्ड इज एंडिंग हेयर तो वर्ड यहीं पे एंड हो रहा है. इफ इट इज नॉट कमिंग हेयर देन राइट इन अनदर लाइन. ओके चिल्ड्रन, इसका ये नहीं कि आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे. ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू कम्प्लीट इट हेयर ओनली एंड इट्स problems. Trials and troubles means problem. Rest, I think there is not a very thought, हमारे विचार होते हैं, so I don't think any other word is there is of that kind. And start a word like this and then उसके नीचे आप लिख सकते हैं, या first इससे पहले आप लिख सकते हैं hard words. Okay children, and do fill your index. What will you fill? Index. This way you have to do your work children. एक बार हम फिर से word meanings कर लेते हैं. Let me speak.
कॉम्युनिकेट टू एक्सप्रेस थॉट्स ट्रायल्स एंड ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स राइट चिल्ड्रन मीनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस थॉट्स अपने विचार व्यक्त करना एंड ट्रायल्स एंड ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम हमारी मुसीबत एंड यू हैव टू डू वर्क इन द सेम वे एंड इन द सेम हैंड राइटिंग ओके चिल्ड्रन यू हैव टू डू हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट वेरी पेज इटसेल्फ मीन्स आपको डेट HW और ये सब आपको एक ही पेज में डालनी है हेडिंग उसके बाद आप ये लिख सकते हैं और इसी के नीचे से डेफिनेटली ऑब्वियसली आपकी स्पेस बचेगी इसी के नीचे से आप हेडिंग डाल देना हार्ड वर्ड्स एंड देन राइट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस राइम विच यू फील ओके चिल्ड्रन एनी अदर क्वेरी वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास एंड चिल्ड्रन लाइव क्लास में आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल That please switch off your mics and okay. Now we will do its question answers. What did the family do every night? वो family हर रात अपने क्या करती थी? For today, I think it's enough and hard words. You have to learn these word meanings and you have to write it in your fair notebook and you have to learn the spellings of the hard words and write it in your fair notebook. Once again, हम एक बार full rhyme read कर लेते so that आपको pronunciation अच्छे से समझ में आ जाए. Once upon a time, in a house so big and wide, the family that lived there were so happy inside. अब आपको राइम से राइम मिलानी है चिल्ड्रन देयर वॉज मम्मी एंड डैडी टू लिटल बॉयज एंड गर्ल्स एवरी नाइट दे वुड गैदर इन द लिविंग रूम दे वुड ट्वर्ल दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स देयर हाउ क्लोज द फैमिली वॉज द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड यू सी दे शोड दे केयर्ड Remember that your family can be the same way too. Just trust and love each other and share each other's thoughts. Because you need your family to communicate a lot. And as you all grow older, you will always know. In the times of trials and troubles, to your family you can go. In this way, children, You have to read the rhyme. Now, we will do its book exercise. Tick the correct option. The family in the poem is a kaisi family, children? Rude family, loving family or joint family? Loving family, joint family. So, mommy, papa, bachche hai. So, this is, it is loving family. Unme aapas mein bahut pyar hai. Second is, the family members सिंग एंड डांस इन द अब वो कहां पे गाना गाते हैं कहां डांस करते हैं इन द बेडरूम इन द किचन और इन द लिविंग रूम जहां पर आपके सोफा डले होते हैं गेस्ट आते हैं आपके ओके चिल्ड्रन सो कहां डांस एंड सिंग करते हैं इन द लिविंग रूम इन अ हैप्पी फैमिली ऑल मेंबर्स अब हैप्पी फैमिली में सब मेंबर्स कैसे होते हैं फाइट विद ईच अदर आपस में सब लड़ते हैं Love and trust each other, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड ट्रस्ट मीन्स एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं Do not talk to each other, आपस में बिल्कुल बात नहीं करते So, option is second, love and trust each other, means first option is loving family, second option is living room and third option is love and trust each other. आपस में बहुत प्यार और एक दूसरे पर बहुत भरोसा होना चाहिए एंड दिस कैन बी योर फैमिली टू ऐसी ही फैमिली आपकी भी हो सकती है जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कम्युनिकेट अ लॉट विद ईच अदर
एंड लव ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर लाइक दिस योर फैमिली कैन बी अ लविंग फैमिली टू चिल्ड्रन दैट्स फॉर टुडे बाय फॉर टुडे थैंक यू